इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को आप कैसे रिमूव करेंगे, चाहे उसके पीछे कोई सिंगल कलर हो या मल्टीपल कलर हो। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी इमेज के आप बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करेंगे और उसके पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड आप कैसे लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। आप अपने पिक के बैकग्राउंड को चुटकियों में और सेकेंडों में आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र में आपको टाइपिंग कर देना है remove.bg। जैसे यहाँ पर आ गया remove.bg, आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि अपलोड इमेज, मतलब आपका जहाँ भी फ़ोटो है इसको आप इसमें अपलोड कर लीजिए। चलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही आपका फ़ोटो, अगर कैमरा से लेना चाहते हैं तो कैमरा पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। इसके लिए कैमरा पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा आप फ़ोटो क्लिक करके इसमें अपलोड कर लेंगे। इस तरीके से फ़ोटो को आपको क्लिक करके इसमें अपलोड कर लेना है। और देखिए, ये बहुत ही परफेक्टली तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूं। और ये देखिए, इसका बैकग्राउंड बहुत ही परफेक्टली तरीके से इसका रिमूव हो चुका है। चलिए मैं आपको बैक आता हूँ और बैक करने के बाद सिंपली मैं फिर से इसको अपलोड करूँगा और इस बार मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ब्राउज़र से ब्राउज में जाके जो भी आपका गैलरी में है फ़ोटो उसको कैसे आप उसका बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, या इसमें जो भी फ़ोटो आप जिस भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ब्राउज पे क्लिक करके गैलरी में से फ़ोटो को अपलोड करके उसके बैकग्राउंड को रिमूव करके दिखा देता हूँ। सबसे नीचे जो ट्रेन है आपको देख रहे हैं राइट साइड में सबसे नीचे कोने पे, उसको मैं सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद इसमें ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। और यहां पर देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव भी हो चुका है। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ओपन कीजिएगा, देखिए ये ट्रेन का बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव हो चुका है। तो आप कोई भी पिक जो सिंगल कलर हो या मल्टीपल कलर हो बहुत ही आसानी से उसके बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो पिक है उसके बैकग्राउंड में कैसे दूसरा बैकग्राउंड आप इसमें लगाएंगे। तो इसके लिए आप जैसे कोई भी थंबनेल वगैरह बनाते हैं एप्लीकेशन, उसको आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे आपको पिक लैब को ओपन कर लेना है। जैसे मैं इसको डिलीट करके हटा देता हूँ। अब आप इसको थंबनेल साइज में कर लेंगे तो यहाँ पर इमेज साइज है, इस पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि यूट्यूब थंबनेल, इसको ओके करके इस तरीके से ओके कर लेंगे। अब जहाँ भी आपका फोटो जो रख रखे हैं उसको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और इसको अपलोड कर लेंगे। इसमें इसको ला के इस तरीके से अपलोड कर लेंगे। इसके साइज को आप इस तरह से बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद सिंपली इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, बहुत ही परफेक्टली तरीके से ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी पिक आप बैकग्राउंड को रिमूव कर रखे हैं उसको यहाँ पर लाके अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पिक जो मैंने इसका बैकग्राउंड को रिमूव किया था, इसको आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप इसको अब छोटा बड़ा करके इस तरीके से आप लगा सकते हैं। देख रहे हैं कितना परफेक्टली और शानदार लग रहा है। तो इसके लगने के बाद आप इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं जो आपको दिल कर, इसमें आप टाइपिंग कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने टाइपिंग कर दिया। अब ओपन कर, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसको जितना भी बड़ा करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर वाले पर जाएंगे और इसमें आपको ढेर सारा कलर मिल जाएगा। जो भी आप कलर रखना चाहते हैं इस तरीके से आप कलर डाल सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके इधर आइए, इसके स्ट्रोक वगैरह कुछ डाल दीजिए इस तरीके से। कितना परफेक्टली तरीके से ये लग रहा है। तो देख रहे हैं कि रिमूव बैकग्राउंड इन ए सेकंड बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। इसके लिए सिंपली आप यहाँ जो देख रहे हैं कैमरा का आइकन बना, इस पर क्लिक करेंगे। सेव एस इमेज पे क्लिक करके आपको सेव टू गैलरी में इसको सेव करके रख लेना है। तो आज इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप कोई भी पिक के बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हैं और उसके पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को
किस तरीके से हम रिमूव करेंगे, चाहे उसके पीछे कोई सिंगल कलर हो या मल्टीपल कलर हो। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।